हाल ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 265 रूटों पर निजी बसें चलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा पूंजीपति हितेशी नीति के विरोध में 2 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसके तहत गोहाना बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के अलावा कर्मचारियों ने भी हस्ताक्षर कर इसका विरोध किया। वहीं अभियान रोडवेज कर्मचारी यूनियन गोहाना इकाई के अध्यक्ष संजीव स्वामी की देखरेख में चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रियों से हस्ताक्षर करवा कर मांग पत्र उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। ये हमारा 2 दिन का अभियान था, 26 और 27 का, लगातार 2 दिन से पब्लिक इस पर हस्ताक्षर कर रही है और पब्लिक इसका बहुत विरोध कर रही है। जो सरकार 265 जो प्राइवेट एक ये प्राइवेट बसें जो ले रही है, इसका पब्लिक बहुत विरोध कर रही है और 1500 डेली हस्ताक्षर कर रही है। पूरे प्रदेश में इसका पूरा विरोध रहा, डिपो में सब डिपो में सारे विरोध रहा। क्या रहेगा सरकार से अगर अगर फिर भी नहीं माने तो हमारा 26 नवंबर को CM का घेराव है करनाल के अंदर। ये सरकार को क्या नाम है? नीर कुमार, इंटक यूनियन राज्य उपप्रधान। वहीं साझा मोर्चा का कहना है कि बस अड्डे पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश की जनता को बताया जा रहा है कि उनकी सस्ती और सुरक्षित सरकारी रोडवेज परिवहन सेवा को सरकार निजी हाथों में देकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। बता दें कि इससे पहले भी पूर्व की सरकारों द्वारा प्राइवेट बस परमिट दिए गए थे, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो निजी बस को चलाने से जहां एक ओर सरकार के राजस्व में कमी आएगी तो वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसा जी, हमारी 10 मार्च को और 23 जून को रोडवेज ट्रांसपोर्ट मंत्री से वार्तालाप हुई थी, जिसमें जो डिमांड PST भी थे और हमारे DG महोदय भी थे महानिदेशक रोडवेज के, जो हमारी मांगे थी, जो डिमांड थी, उन पर चर्चा हुई थी और जो लागू करने की बात हुई थी वो आज तक भी लागू नहीं हो पाई। हमने उनके विरोध में और 265 मार्गों पर जो सरकार अब अपने चहेतों को JJP और BJP सरकार अपने चहेतों को जो परमिट दे रही है अब सरकार, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं सरकार का इस बात का। और ये आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में अगले महीने में अगर सरकार नहीं मानती हमारा 26-27 का 2 दिन का हस्ताक्षर अभियान, कल भी हमारा पूरा दिन 8 से 5 तक हस्ताक्षर अभियान चला, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चला, सब डिपो में चला और आज भी हमारा शाम को 5 बजे तक रहेगा, सवेरे 8 से 5 बजे तक है। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आने वाली 26 नवंबर को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे करनाल के अंदर सभी कर्मचारी। अगर उससे भी फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम कोई ना कोई दिसंबर में वो डेट निर्धारित करेंगे, कोई बहुत बड़ी रैली हम करनाल के अंदर करेंगे, जिससे सरकार को ये दिखाएंगे भी कर्मचारी भी क्या चीज़ है। तब तो सरकार क्या देती है जो बस का बेड़ा जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ कहने में आती, पीछे जो गाड़ी ली है सरकार ने उनका भी हमें पता लग गया कि भी वो भी जो कंपनी से टाटा की उससे ली है, ठेके पे ली है, किस्तवाइज उनके पैसे दिए जाएंगे, भी भर्ती नहीं कर रहे, कौशल्य कमा लगा रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार पक्की भर्ती करे, भाई ड्राइवर की स्टाफ की कमी है, ड्राइवर की कनेक्टर की, वो भर्ती करे। वर्कशॉप में कर्मचारी घटते जा रहे हैं, वर्कशॉप में तो कम से कम 15-20 साल हो गए मतलब भर्ती नहीं करी सरकार। कर्मचारी जो पुराने थे रिटायरमेंट जाते रह रहे हैं, जो आप ये इसके थ्रू लेते हैं उसके कौशल निगम के थ्रू लगा रखे हैं तो बच्चे उनकी क्या तनख्वाह की जो कि 15,000 के 16,000 रुपये, उसमें हम कौशल निगम को हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार वाकई में कर्मचारी के आम आदमी की तेजी तो पक्की भर्ती करे, ड्राइवर की पक्की भर्ती करे, कनेक्टरों में पक्की भर्ती करे और वर्कशॉप में जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करे सरकार। क्या नाम? संजीव स्वामी। मैं रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। बहरहाल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 26 नवंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, इसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो दिसंबर महीने में करनाल में एक बड़ी रैली कर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।